एक माइक क्या खुला रह गया कि कांग्रेस की सारी सच्चाई सामने आ गई। सामने आ गया कि कैसे कांग्रेस अपने नेताओं को जातीय राजनीति को बढ़ावा देने की ट्रेनिंग देती है। ये भी सामने आ गया कि कांग्रेस में महिला कार्यकर्ताओं का अधिक प्रतिनिधित्व न होने के बावजूद उनकी महिला प्रवक्ता मीडिया के सवालों से कैसे बचाव करती हैं। क्वेश्चन आंसर्स पड़ेगा तो उसमें हमारे कितने ओबीसी सीएम हैं, बीजेपी के कितने हैं, इंडिया अलायंस के कितने हैं, वो सारे क्वेश्चन होंगे। वो हमेशा सवाल पूछते हैं कि वो कहेंगे कि कांग्रेस 33% प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देती। तो उसका ना बिल्कुल सीधा सा जवाब है, उसमें थोड़ा सा मैंने विस्तृत दे दिया। तो आप ये कहिए कि कांग्रेस तो कर रही है और उसका उदाहरण यही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का अपनी पार्टी की दूसरी नेत्री को जातिगत राजनीति करने और कांग्रेस के टिकट बंटवारे में महिलाओं को कम सीटें देने पर मीडिया के सवालों से बचने के तरीके बताना, ये साफ कर रहा है कि कांग्रेस किस तरह घटिया राजनीति करती है। पार्टी में महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देती और टूलकिट के माध्यम से देश को बांटने का षड्यंत्र रचती रहती है।